हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी बच्चों को कैसे हो सभी? तो गाइस, डेफिनेट इंटीग्रल के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे। नेक्स्ट हमारा ये पार्ट नंबर 4 है, जो कि लास्ट पार्ट है। इस पार्ट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास दिशा पब्लिकेशन का सॉल्यूशन। 2006 से लेके 2019 तक के सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं गाइस। एंड आप हमारी डिफेंस वाले एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। वहाँ पे आपको कैलकुलस का फुल मैथ का कोर्स मिल जाएगा, जिसको आप एनरोल कर सकते हैं 299 रुपीज़ में, ठीक है? जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स का जो है कंसेप्ट मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 92 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं पिछले पार्ट के अंदर, और इसकी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, सभी चैप्टर्स की आपको, ठीक है? वट इज इंटीग्रेशन आपको बताना है। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन दिया हुआ है, -2 से +2 x dx का, फिर माइनस में -2 से +2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x dx का। देखो, x जो रहता है वो ओड फंक्शन रहता है, और ओड फंक्शन है तो -a से +a, मतलब यहाँ -2 से +2 है, ओड फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 होता है, इसलिए इसका तो आंसर 0 ही आ जाएगा। अब ये बचा माइनस में इंटीग्रेशन -2 से +2, और ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। लिमिट जो दे रखी है वो आपको क्या दे रखी है गाइस? -2 से +2 दे रखी है। तो इनके बीच में इनको इंटीजर्स पे ब्रेक कर लेते हैं। तो -2 के बाद -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा। तो ये इंटीजर है तो इसको मैं ब्रेक कर लूँगा। बाहर क्या है? माइनस है, माइनस को बाहर रखते हैं। लिमिट को ब्रेक करेंगे, -2 से पहले जाएगा -1, यहाँ आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x dx, फिर आएगा -1 से 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x dx, और फिर प्लस में 0 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x dx, और फिर जाएगा 1 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x dx, ठीक है? अब ये क्या आएगा माइनस में, यहाँ देखो लोअर लिमिट यहाँ पे गया, लोअर -2 है, तो यहाँ इसकी जगह क्या पुट कर दो? -2 पुट कर दो। -2 कॉन्स्टेंट है, बाहर लिख लो। इंटीग्रेशन कर दो -2 से -1, यहाँ बचेगा 1 dx। फिर प्लस में लोअर क्या है? -1, तो यहाँ -1 पुट कर दो, तो -1 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन क्या? -1 से 0 किसका? 1 dx का। सिमिलरली लोअर क्या है? 0, तो यहाँ 0 पुट करोगे तो ये क्या आएगा? 0 मल्टीप्लाई में इंटीग्रेशन किसका? 0 से 1 dx। यहाँ लोअर लिमिट क्या है? 1, तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 से 2 इंटीग्रेशन किसका? 1 dx का। अब देखो माइनस बाहर है, माइनस के अंदर प्रोडक्ट भी करते जाते हैं और इसकी इंटीग्रेशन भी कर देते हैं। तो ये माइनस के अंदर प्रोडक्ट करोगे, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। लिमिट क्या है? -2 से -1। इस माइनस के अंदर प्रोडक्ट करोगे, यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या है? एक्स का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ? -1 से 0। ये तो 0 ही हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? ये माइनस में 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स। लिमिट क्या है? 1 से 2। यहाँ अपर लिमिट पुट करो, माइनस में लोअर लिमिट पुट करोगे तो ये 1 बनेगा, तो यहाँ आएगा 2, प्लस में ये भी 1 आएगा और ये भी क्या आएगा? 1। तो यहाँ बचेगा प्लस में 1 और ये माइनस में 1, ये इससे कैंसिल होकर क्या आ जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है? 2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, ये कहता है कि इंटीग्रेशन -2 से 5 f(x) इज इक्वल टू 4 है, और 0 से 5 आपका 1 प्लस में f(x) इज इक्वल टू 7 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन -2 से 0? तो आपको -2 से 0 जाना है, ठीक है? देखो गाइस, अगर मैं इंटीग्रेशन अपने को दे रखा है -2 से 5 फंक्शन का f(x) का इज इक्वल टू 4, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। यहाँ देखो 1 प्लस में f(x) का इंटीग्रेशन है, तो मैं 1 का अलग कर लेता हूँ, 1 का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा? x, और लिमिट क्या दे रखी है? 0 से 5। प्लस में इंटीग्रेशन 0 से 5 किसका? f(x) dx इज इक्वल टू क्या आएगा? 7। अपर लिमिट पुट करोगे 5, माइनस में लोअर लिमिट पुट करोगे 0, तो इसकी वैल्यू 5 है, उधर जाके वो क्या हो जाएगा? माइनस का। तो इंटीग्रेशन 0 से 5 f(x) dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब देखो ये क्या दे रखी है? -2 से 5, और ये दे रखा है 0 से 5, तो इसको मैं 5 से 0 कर लेता हूँ गाइस। 5 से 0 करूंगा, f(x) dx आपको पता है लिमिट को जब चेंज कर देते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को आपस में जब इंटरचेंज करेंगे, जो भी वैल्यू आती है उसका क्या होता है? साइन चेंज। अगर +2 का आंसर आता है, ये हो जाएगा -2। अब क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करोगे तो देखो ये -2 से 5 है f(x) प्लस में ये 5 से क्या हो जाएगा? 0 f(x) इज इक्वल टू, ये कितना आएगा? 4, और ये क्या आएगा? माइनस में 2, तो के आंसर कितना आएगा? 2। अब इनको मैं इकट्ठा कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन -2 से 0
एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर क्वेश्चन। इंटीग्रेशन करना है 0 से 4 पाई किसका, मोड एक्स का, ठीक है, मोड कोस एक्स का, सॉरी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है इसका। तो अपन क्या कर लेते हैं, देखो 0 से 4 पाई जा रहा है, अगर मैं 4 पाई की बात करूं, देखो तो ये 0 है, यहाँ पाई बाय 2 है, ये पाई, और ये 3 पाई बाय 2, और ये क्या आएगा, 2 पाई। 4 पाई का मतलब है एक राउंड लगा के फिर दूसरा राउंड लगाया, मतलब दो राउंड लगाए हैं टोटल। ठीक है, कितना राउंड लगाए हैं टोटल, दो राउंड। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, देखो अगर मैं एरिया निकालूं, मतलब इंटीग्रेशन कर दूं इसका 0 से पाई, 0 से पाई, तो जितना इंटीग्रेशन 0 से पाई आएगा, जितना 0 से पाई आएगा इस मोड कोस एक्स का इंटीग्रेशन 0 से पाई, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, 4 पाई। तो मतलब एक बार करेंगे तो 0 से पाई आया, फिर दोबारा से निकालेंगे फिर से 0 से पाई आया, फिर तीसरी बार निकालोगे 0 से पाई, और फिर फोर्थ टाइम निकालोगे 0 से पाई। 4 बार इसका निकालूंगा तो चारों को अगर ऐड करूंगा तो 0 से क्या हो जाएगा, 4 पाई। तो मतलब मैं क्या कर देता हूँ, मुझे इंटीग्रेशन करना है 0 से 4 पाई मोड कोस एक्स का, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 4 टाइम ऑफ इंटीग्रेशन 0 से पाई मोड कोस एक्स। इसका फायदा ये होगा कि देखो 0 से पाई बाय 2 के मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास मोड एक्स पॉजिटिव रहता है, और जब पाई बाय 2 से पाई जाऊंगा तो ये क्या आएगा, नेगेटिव। तो मैं लिख लेता हूँ इसको 4 टाइम इंटीग्रेशन, जब 0 से पाई बाय 2 करेंगे तो कोस एक्स लिख लेता हूँ dx, और जब मैं इसको पाई बाय 2 से पाई जाऊंगा तो ये माइनस में मेरे को कोस एक्स dx लेना पड़ेगा। ठीक है, अब ये आ जाएगा 4, कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, लिमिट आ जाएगी 0 से पाई बाय 2, फिर माइनस में कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, लिमिट आ जाएगी पाई बाय 2 से पाई। 4 × अपर लिमिट पुट करोगे साइन पाई बाय 2 1 होता है, माइनस में लोअर लिमिट पुट करोगे 0, तो इसकी वैल्यू आएगी 1, फिर माइनस में अपर लिमिट पुट करोगे साइन पाई 0 होता है, फिर माइनस में लोअर लिमिट पुट करोगे तो 1, बाहर भी माइनस है तो अंदर भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये आएगा 4 × 1 प्लस में 1 कितना हो जाएगा, 2, तो आंसर आ जाएगा 8। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, क्लियर है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये कहता है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व मोड एक्स मोड वाई इज इक्वल टू 1 − x² दे रखा है। ठीक है, ये अपने को दे रखा है। अब देखो मोडुलस है, अब यहाँ पे अगर मैं मोडुलस हटाऊंगा, मतलब वाई की अगर मैं बात करूँ, मोडुलस वाई की बात करूँ, तो जब वाई 0 से छोटा होगा तो इसकी वैल्यू मैं माइनस में वाई लूंगा, और जब वाई 0 से बड़ा होगा तो इसकी वैल्यू मैं प्लस का वाई लूंगा, और जब वाई की वैल्यू 0 के इक्वल रहेगी तो ये क्या आएगा, 0 के इक्वल ही आएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं इसको हटाऊं तो एक तो रिजल्ट आएगा मोड को हटाने पर, एक तो आएगा वाई इज इक्वल टू 1 − x², ये रिजल्ट कब आएगा, जब वाई ग्रेटर देन 0 हो। एक रिजल्ट आएगा वाई इज इक्वल टू, मतलब माइनस का वाई इज इक्वल टू 1 − x², जिसको मैं लिख सकता हूँ वाई इज इक्वल टू आएगा x² − 1, ये कब आएगा, जब वाई की वैल्यू 0 से छोटी हो, और जब वाई 0 के इक्वल होगा उस केस में यह आ जाएगा 1 − x² इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस में 1। ठीक है, ये बनेगा। अब देखो ये क्या होगा, यहां से अगर मैं x² की वैल्यू निकालूं तो x² इज इक्वल टू ये आएगा मेरे पास 1 − y, तो ये बनता है मेरे पास अपर पैराबोला। ठीक है, जिसका वर्टेक्स जो है वो क्या होगा, x को 0 पुट करोगे y की वैल्यू 1, जिसका ये बनेगा मेरे पास क्या, अपर पैराबोला जिसका वर्टेक्स ये होगा, ऐसा बनेगा आपका। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बनेगा लोअर पैराबोला जिसका वर्टेक्स ये होगा, ऐसा इसका डायग्राम ये बनेगा। ठीक है ना, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट आएगा −1, 0, और ये पॉइंट आएगा मेरे पास 1, 0। तो आपको एरिया निकालना है ये वाला पूरा, तो मैं क्या कर लेता हूँ, सिर्फ इतना एरिया निकाल लेता हूँ, ये वाला एरिया, इतना एरिया, ठीक है, और उसका 4 टाइम कर दूंगा क्योंकि ये चारों पार्ट क्या रहेंगे, इक्वल। तो मतलब 4 टाइम कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका 0 से 1,
जीरो से वन, और यहाँ पे अपर कर्व क्या है, ये वाली मतलब ये वाला पैराबोला, और ये वाला पैराबोला मतलब कौन सा अपर पैराबोला, ये वाला पैराबोला लेंगे, ठीक है। इस पैराबोला का आप इंटीग्रेशन कर दो, वन माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है ना, वन माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स का। अगर आप ये वाला रिजल्ट लेते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेम ही रिजल्ट आने वाला है, ठीक है ना, आपकी मर्जी है। फोर इंटू वन का इंटीग्रेशन करोगे एक्स, माइनस में एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स क्यूब बाई थ्री, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट जीरो से वन। फोर इंटू अपर लिमिट पुट करोगे वन माइनस में वन बाई थ्री, लोअर लिमिट पुट करने पर जीरो, तो यह आएगा फोर इंटू में ही आ जाएगा टू बाई थ्री, तो ये आंसर आ गया एट बाई थ्री। ऑप्शन बी आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर, आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 96, ये कहता है इंटीग्रेशन करो जीरो से पाई बाय टू, फंक्शन दे रखा है अपने को थ्री कोस एक्स प्लस में फाइव इज इक्वल टू, ये कहता है कि इसका इंटीग्रेशन जो है वो आएगा के टाइम ऑफ कोट इनवर्स टू, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ देखो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इंटीग्रेशन करता हूँ, लिमिट अपने को दे रखी है जीरो से पाए बाय टू, ये दे रखा है अपने को डी एक्स डिवाइड बाई, ये क्या दे रखा है थ्री, कोस एक्स है तो मैं कोस एक्स को लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस में साइंस स्क्वायर एक्स बाय टू, फॉर्मूला होता है कोस एक्स का, प्लस में फाइव है, फाइव के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं मतलब वन तो है, और वन को मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस में साइंस स्क्वायर एक्स बाय टू, क्योंकि कोस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस साइंस स्क्वायर एक्स बाय टू वन होता है, तो हो जाएगा लिमिट इंटीग्रेशन जीरो से पाया बाय टू डी एक्स डिवाइड में, देखो ये आएगा थ्री कोस स्क्वायर एक्स, और प्लस में फाइव के अंदर मल्टीप्लाई करोगे फाइव कोस स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा एट कोस स्क्वायर एक्स बाय टू, जब थ्री के अंदर मल्टीप्लाई करोगे यहाँ माइनस का थ्री आएगा और यहाँ प्लस का फाइव आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस में कितना माइनस का थ्री प्लस का फाइव, तो ये हो जाएगा टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, ठीक है गाइस। अब यहाँ से क्या कॉमन है, टू कॉमन है, तो वन बाय टू बाहर कॉमन ले लेंगे, तो यह आ जाएगा जीरो से पाए बाय टू डी एक्स डिवाइड बाय, यहाँ बचेगा अपने पास फोर कोस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस में यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर एक्स बाय टू डी एक्स, ठीक है। अब देखो ये रिजल्ट आ गया, यहाँ से अगर अपन इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन करें, डायरेक्ट कैसे करोगे, देखो सिंपल है इसका, यह आ जाएगा मेरे पास वन बाय टू, इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो इसका इंटीग्रेशन मैंने पहले भी बताया था कि इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है तो उसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर आप ट्रिक की हेल्प से करना चाहे ट्रिक की और कंसेप्ट से करना है तो मैं कंसेप्ट से करा देता हूं पहले, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर लेते हैं, मतलब कोस स्क्वायर एक्स बाय टू से डिवाइड कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा लिमिट जीरो से पाया बाय टू, ऊपर तो बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय टू बनेगा क्योंकि वन के डिवाइड में आएगा यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स बाय टू, और यहाँ पे बनेगा ये फोर प्लस में इसको करेंगे तो ये आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाय टू, है ना, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम क्या कर लेते हैं, टेंजेंट एक्स बाय टू को टी पुट कर लेते हैं, तो टेंजेंट एक्स बाय टू को जब टी पुट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय टू, एंगल का करोगे वन बाय टू डी एक्स इज इक्वल टू क्या डी टी, तो टू उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो ये बन जाएगा मेरे पास टू बाहर आ जाएगा डिवाइड में टू है ही, देखो एक्स को जीरो पुट करेंगे टेंजेंट जीरो जीरो, और यहाँ पे एक्स को पाई बाय टू पुट करेंगे तो यहाँ पाई बाय फोर हो जाएगा, तो टेंजेंट तो ये लिमिट हो जाएगी जीरो से वन, ये आ जाएगा डी टी डिवाइड में आ जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा फोर, टू से टू कैंसल, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है वन बाय ए मतलब वन बाय टू टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय ए मतलब टी बाय टू, और लिमिट क्या आएगी जीरो से वन, अपर लिमिट पुट करोगे यहाँ पे टी को वन तो टेंजेंट इनवर्स वन बाय टू आएगा, और लोअर लिमिट में जीरो, तो ये आंसर आएगा वन बाय टू टेंजेंट इनवर्स, यहाँ आ जाएगा वन बाय टू। अब टेंजेंट इनवर्स को अगर कोट में चेंज करूंगा तो वन बाय टू, कोट में चेंज करेंगे तो एंगल का क्या हो जाता है रेसिप्रोकल, तो ये आएगा। अब कंपेयर करेंगे कोट इनवर्स टू, यहाँ पे भी कोट इनवर्स टू, तो के की वैल्यू कितनी आई वन बाय टू, ऑप्शन बी आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, ये कहता है कि इंटीग्रेशन करो वन से थ्री, वन माइनस में एक्स की पावर फोर का, ठीक है, इंटीग्रेशन करना है कहाँ से कहाँ, वन से थ्री, वन माइनस में एक्स की पावर फोर का। देखो गाइस, वन और थ्री के बीच में आप कोई मर्जी वैल्यू पुट कर लो, यहाँ पे आंसर जो आएगा अंदर वाली टर्म का वो नेगेटिव आंसर आएगा, पुट करके देख लो, वन से बड़ा टू पुट करके देख लो,
तो ये वाले टर्म बड़ी बनेगी, वन में से जो भी माइनस करोगे आप, थ्री पुट करके देखो तो भी आंसर नेगेटिव। तो वन और थ्री के बीच में आंसर क्या आ रहा है इसका, नेगेटिव। लेकिन मॉडुलस है, अब मॉडुलस है तो आंसर तो पॉजिटिव देगा, मॉडुलस हटाते हैं तो बाहर क्या लगा लेते हैं, माइनस लगा लेते हैं। और लिमिट क्या है, वन से थ्री, और इसको मैं लिख लेता हूँ वन माइनस में एक्स की पावर फोर और डी एक्स। माइनस के अंदर प्रोडक्ट करेंगे, वन से थ्री लिमिट रहेगा एक्स की पावर फोर माइनस वन डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन कर दो, एक्स की पावर फोर का क्या होगा, पावर में ऐड किया, पावर से डिवाइड माइनस में, वन का इंटीग्रेशन एक्स हो गया, लिमिट क्या दे रखी है वन से थ्री। अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट पुट कर दो, रिजल्ट आ जाएगा, ये हो जाएगा थ्री की पावर फाइव डिवाइड बाय फाइव माइनस में थ्री। फिर माइनस में लोअर लिमिट पुट करोगे, वन बाय फाइव माइनस में वन। तो इसको सोल्व कर लो, रिजल्ट आ जाएगा। कर लोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, इंटीग्रेशन करना है अपने को जीरो से पाया बाय टू डी थीटा डिवाइड में क्या दे रखा है, वन प्लस में कोस थीटा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टू कोस स्क्वेयर थीटा बाय टू हाफ ऑफ एंगल, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो वन बाय टू तो बाहर आ गया, कोस स्क्वेयर ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सीकेंट स्क्वेयर बन जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा सीकेंट स्क्वेयर थीटा बाय टू, और सीकेंट का इंटीग्रेशन आप सभी को पता है क्या होता है, टेंजेंट। तो ये आ जाएगा टेंजेंट थीटा बाय टू, एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में वन बाय टू, और लिमिट लगा देंगे क्या, जीरो से पाई बाय टू, वन बाय टू से वन बाय टू कैंसर। अपर लिमिट पुट करोगे, थीटा की जगह पाई बाय टू पुट करोगे तो डिवाइड में भी टू है तो पाई बाय फोर आएगा। माइनस में लोअर लिमिट पुट करोगे, टेंजेंट जीरो तो पाई बाय फोर वन और ये जीरो। तो आंसर आ जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर, वन आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, ये कहता है एफ एक्स जी एक्स दो कंटिन्यूस फंक्शन है जो कि सेटिस्फाई करते हैं इस कंडीशन को, देन व्हाट इज द इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स इनटू में जी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा। तो इंटीग्रेशन अपने पास दिया हुआ है जीरो से ए, किसका पूछा है, एफ एक्स इनटू में जी एक्स का डी एक्स। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं क्या, कि इंटीग्रेशन अगर जीरो से ए हो एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो मैं उसको लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन जीरो से एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स लिख सकता हूँ। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन जीरो से ए, ये आ जाएगा ए माइनस एक्स, और यहाँ भी जी में ए माइनस एक्स और डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब एफ ए माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, एफ ए माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स है, तो इसको मैं वापस से एफ एक्स लिख सकता हूँ, जीरो से ए वापस से एफ एक्स हो गया। और यहाँ जी माइनस ए माइनस एक्स की वैल्यू, जी ए माइनस एक्स की वैल्यू, इस जी एक्स को उधर लेके जाओगे तो टू माइनस में जी एक्स आएगा और डी एक्स आ गया। इस एफ एक्स के अंदर प्रोडक्ट करते हैं तो ये टू टाइम ऑफ इंटीग्रेशन जीरो से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। फिर माइनस में इसके अंदर प्रोडक्ट करेंगे इंटीग्रेशन जीरो से ए, ये एफ ऑफ एक्स जी एक्स डी एक्स हो जाएगा, और ये सारा आई के इक्वल चल रहा था। अब अगर आप ध्यान से देखो इसको, तो ये रिजल्ट जो है वो वापस से आपका आई बन गया, ये देखो। तो इस आई को मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये प्लस का आई हो जाएगा, तो आई प्लस आई कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा टू आई, और यहाँ टू से ये टू क्या हो जाएगा, कैंसल। तो आई जो है वो इस रिजल्ट के इक्वल आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, ये कहता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल ऑफ द रेडियस ए। ये कहता है कि एक ट्राइंगल है जो सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, मतलब इस टाइप से डायग्राम बनेगा, जैसे एक सर्कल है इसके अंदर एक ट्राइंगल है गाइस, और इस सर्कल का जो सेंट मतलब इस सर्कल की जो रेडियस है वो ए है। तो मतलब ये डिस्टेंस क्या है, ए, ये डिस्टेंस भी कितना है, ए, ये डिस्टेंस भी कितना आएगा, ए आएगा, है ना। अब अपने को एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा है, क्या पूछा है अपने को, एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा है। तो आप सभी को पता है कि जब कोई भी ट्राइंगल एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड हो जिसकी रेडियस ए हो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आप सभी को पता है क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला रूट थ्री बाय फोर ए का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। एक एरिया इसका, जैसे मैं इसको ओ मान लेता हूँ, इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इस एक ट्राइंगल का एरिया यही होता है इतने इतने पार्ट का,
अब पूरे ट्रायंगल तीन हिस्से हैं तो इसको क्या कर दो, थ्री से मल्टीप्लाई कर दो, तो पूरे ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाता है, 3√3/4a² आ जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। ठीक है, तो याद रखना कि जब भी कोई भी ट्रायंगल अगर सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड हो, ठीक है, जिसकी रेडियस ए है, तो उस ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो फॉर्मूला होता है 3√3a² बाय 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 101 नंबर क्वेश्चन। इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल की पावर -1 से 2 है, मोड लॉग एक्स है, तो लिमिट को ब्रेक कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल की पावर -1 से एक्सपोनेंशियल की पावर 0। ठीक है, तो इस लिमिट के बीच में लॉग ये ले आएगा माइनस का लॉग एक्स डिवाइड बाय एक्स डी एक्स, फिर लिमिट लिखेंगे एक्सपोनेंशियल की पावर 0 से एक्सपोनेंशियल की पावर 2, इसमें किसकी वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव, तो लॉग एक्स डिवाइड बाय एक्स डी एक्स। अब आप कहोगे कि सर ये नेगेटिव कैसे पता चला, अगर मैं क्या पुट कर देता हूँ, पुट करता हूँ एक्सपोनेंशियल मतलब लॉग ई की पावर -1 पुट करता हूँ एक्स की जगह, तो यहाँ आएगा ई की पावर -1। अब लॉग एक्सपोनेंशियल तो 1 हो गया, तो यहाँ क्या बचा, -1, और डिवाइड में ई की पावर ऊपर लेके जाओगे तो ये ई आएगा, तो आंसर क्या आया, माइनस का एक्सपोनेंशियल आया ना, नेगेटिव ही आंसर आया ना, और इसको नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए बाहर नेगेटिव लगा देते हैं, तो अब ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है ना, तो लिमिट ब्रेक होगी ई की पावर 0 पे, ई की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, इसलिए इस पर लिमिट ब्रेक कर दी हमने। अब देखो ये क्या है, माइनस माइनस बाहर पड़ा रहे, ये फंक्शन है मल्टीप्लाई में, देखो यहाँ क्या है 1/x है, मतलब लॉग एक्स का डेरिवेटिव भी होता है 1/x, तो फंक्शन का डेरिवेटिव अगर उसके साथ है तो इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में एक ऐड कर दो मतलब 2/2, और लिमिट ई की पावर -1 से ई की पावर 0। सिमिलरली ये भी क्या आएगा, लॉग एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और लिमिट क्या आएगी, ई की पावर 0 से ई की पावर 2, अपर लिमिट -1 लोअर लिमिट पुट कर दोगे रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ अपर लिमिट पुट करोगे ई की पावर 0 1 होता है, लॉग 1 0 हो जाता है तो ये 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट पुट करोगे ई की पावर -1 पुट करोगे तो लॉग से एक्सपोनेंशियल कैंसिल होकर -1 का स्क्वायर 1, तो ये आएगा मेरे पास माइनस का 1/2, नीचे 2 है ना, ठीक है, इसलिए माइनस का 1/2, ब्रैकेट 1 प्लस में, यहाँ अपर लिमिट पुट करोगे ई आएगा ई का स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल से लॉग 1 हो जाता है तो यहाँ 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4/2, तो 2 आएगा, फिर माइनस में लोअर लिमिट पुट करोगे ई की पावर 0 1 होता है वो 0 हो जाएगा, तो ये आएगा 1/2 प्लस में 2, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 5/2, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 गाइस, इंटीग्रेशन करना है 0 से 2π√1 + sin x/2। आप सभी को पता है फॉर्मूला, √1 + sin x का फॉर्मूला क्या होता है, sin x/2 + cos x/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ x/2 है इसका फॉर्मूला, फिर यहाँ हो जाएगा x/4 मतलब हाफ ऑफ एंगल, तो इंटीग्रेशन 0 से 2π ये हो जाएगा sin x/4 + ये हो जाएगा cos x/4 dx। साइन का इंटीग्रेशन करोगे माइनस में cos x/4 आएगा, एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे तो 1/4। कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x/4 आएगा, एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करोगे 1/4, और लिमिट आ जाएगी 0 से 2π, तो ये 4 बाहर आ जाएगा 4। अपर लिमिट फिर माइनस में लोअर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट पुट करोगे यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 + 1 बनेगा अंदर, तो 8 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, ये कहता है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, इस टाइप के कर्व का एरिया आपको निकालना है, इधर का मोड एक्स प्लस में मोड वाई इज इक्वल टू 1। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी इक्वेशन हो, देखो इक्वेशन अगर बनेगी ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी इज इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन ए एक्स माइनस में बी वाई प्लस में सी इज इक्वल टू 0, नेक्स्ट ए एक्स माइनस में प्लस में बी वाई माइनस में सी इज इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन माइनस का ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी इज इक्वल टू 0। जब भी इस टाइप की इक्वेशन बने, देखो मॉडुलस हटाएंगे तो एक बार एक्स प्लस में वाई 1 को इधर ले आओ, माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, और एक बार बनेगी एक्स फिर माइनस का वाई माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, एक बार इसको मैं माइनस का एक्स ले लेता हूँ, माइनस का एक्स प्लस में वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और एक बार
दोनों को माइनस ले लेते हैं, माइनस का एक्स माइनस का वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ये इक्वेशन। और ये इस फॉर्म में बन गई चारों इक्वेशन, या सिंपल भाषा में अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि जब भी इक्वेशन ऐसी हो ए मोड एक्स प्लस में बी मोड वाई और प्लस में सी इज इक्वल टू जीरो, जब भी आपको इस टाइप की इक्वेशन दी हुई हो और उसका एरिया बाउंडेड रीजन आपसे पूछे तो उसका आंसर होता है टू सी स्क्वेयर डिवाइड बाई ए इन टू बी। अगर मैं यहाँ कंपेयर करूँ तो यह मोड एक्स प्लस में मोड वाई और माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, यहाँ ए की जगह मतलब क्या है वन, ए की वैल्यू वन है, कंपेयर करें तो बी की वैल्यू वन है और सी की वैल्यू माइनस का वन है, तो यहाँ पुट कर दो तो टू माइनस वन का स्क्वायर डिवाइड बाई वन इन टू वन, तो आंसर क्या आया टू आया, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट ये रिजल्ट याद रखो, जब भी इस टाइप की कर्व दी हुई हो तो उसका एरिया बाउंडेड एरिया का फॉर्मूला हमेशा यही होता है। आसान हो गया ना क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन करने की बजाय अपन इतना सी कर लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर क्वेश्चन, एफ एन अपने को दिया हुआ है 1/4 प्लस में एन डिवाइड बाय 1000 और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट है भाई, देन द वैल्यू ऑफ एन फ्रॉम 1 टू दिस मिशन की वैल्यू आपको बतानी है कितनी आएगी, ठीक है। तो देखो गाइस, अगर मैं 1/4 की बात करूं तो 1/4 होता है 0.25 प्लस में यहां दे रखा है एन डिवाइड बाय 1000, ठीक है। अगर मैं एन को पहले 1 पुट करता हूं एफ 1 आएगा, फिर प्लस में एन को 2 पुट करूंगा एफ 2 आएगा, सिमिलरली फिर एफ 3 आएगा, सिमिलरली अप टू सो ऑन, ये एफ 1000 आएगा। एफ 1 की अगर मैं बात करूं तो एफ 1 आएगा 0.25 प्लस में, अगर मैं एन को यहाँ 1 पुट करूँ, एन को क्या पुट करूँ 1 पुट करूँ तो ये आएगा 0.001 क्योंकि डिवाइड में 1000 है, फिर प्लस में ये आएगा 0.25 और प्लस में अगर मैं ऐड करूँगा तो ये 2 डिवाइड बाई आएगा तो 0.002 आएगा, प्लस में सो ऑन अगर मैं लास्ट तक जाऊँगा, यहाँ तक अगर मैं जाऊँगा ठीक है तो लास्ट में आएगा मेरे पास 0.25 और प्लस में एन को 1000 पुट करेंगे तो ये इसे कैंसिल होके 1 आएगा, ये कुछ रिजल्ट आने वाला है। यही कुछ रिजल्ट आने वाला है। अब एक चीज और देखो, मैं आपको बताता हूं लगभग अगर मैं 750 को डिवाइड करूं किससे, हजार से, ये इसे कैंसिल 25 75 100, तो ये आंसर आया 3/4। 3/4 कितना होता है 0. अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 0. कितना, अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 6 4 नीचे ना 7 6 28 75 आएगा, और प्लस में 0.25 भी है तो ये आएगा अपना 1, मतलब 750 से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ 750 फिर 751 मतलब एन की वैल्यू देखो हज़ार तक जाएंगे तो आंसर आएगा 1 आएगा, फिर आगे आएगा 1. देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 की वैल्यू 1 होती है, 1. मतलब 1.2 आ गया तो उसकी वैल्यू भी 1, तो यहाँ पे जो 750 वाली टर्म होगी 750 से लेके आगे तक मतलब हजार तक जितनी भी टर्म होगी सबका आंसर 1+1+1+1+1+1 आने वाला है, तो ये टोटल कितनी टर्म होगी भाई 750 से हजार तक टोटल कितनी टर्म आ जाएंगी 251 टर्म्स होंगी टोटल, याद रखना 251 टर्म होगी 250 टर्म नहीं होगी, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्यों कि 751 से लेकर हजार तक आपकी टर्म होने वाली है 250, ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 105 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन करना है 0 से π/4 रूट टेंजेंट एक्स प्लस में, ये आपको दे रखा है, चिंता किंतु परंतु करने की जरूरत नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है, अलग अलग इंटीग्रेशन लिख रखा है, अपन इकट्ठा इंटीग्रेशन लिख लेते हैं, टेंजेंट को मैं लिख सकता हूँ, ये लिख लेता हूँ रूट साइन एक्स डिवाइड बाय रूट कोस एक्स, प्लस में कोस को लिख सकता हूँ रूट कोट को लिख सकता हूँ कोस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 से π/4 नीचे आ जाएगा रूट साइन एक्स इंटू में आ जाएगा रूट कोस एक्स और ऊपर आ जाएगा साइन एक्स प्लस में कोस एक्स और ये आ जाएगा डी एक्स, यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है।
अब देखो मैं अलग से समझाता हूँ आपको थोड़ा। अंडर रूट यहाँ क्या है नीचे, साइन एक्स इंटू में है कोस एक्स, तो इसमें क्या कर देता हूँ मैं, वन ऐड कर देता हूँ ठीक है, और वन माइनस कर देता हूँ। क्या बोलते हो, वन ऐड किया वन माइनस किया, और यहाँ मेरे पास है प्लस में साइन एक्स इंटू में कोस एक्स ठीक है। एक काम करता हूँ पहले इसको रुको, वन ऐड और वन बाइट बाद में करेंगे, पहले इसको क्या कर लेते हैं अपन, रूट टू से डिवाइड कर लेते हैं, रूट टू से मल्टीप्लाई, तो ऊपर आएगा रूट टू इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाय फोर, यहाँ आ जाएगा साइन एक्स प्लस में आ जाएगा कोस एक्स, और इस टू को अंदर लेके लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा टू साइन एक्स प्लस इंटू में कोस एक्स लिख सकते हैं। अब इसमें वन ऐड कर लेते हैं और वन माइनस कर लेते हैं, जो माइनस किया वन, रूट टू इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाय फोर, ये आ जाएगा मेरे पास साइन एक्स प्लस में आ जाएगा कोस एक्स, अंडर रूट ये बन जाएगा वन माइनस में, जो वन ऐड किया उसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, और इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया, देखो बाहर माइनस लिख लिया मैंने, तो ये माइनस में ये हो जाएगा टू साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स। अब इसको मैं लिख सकता हूँ साइन माइनस में कोस एक्स का होल स्क्वायर, है ना, लिख सकते हैं इसको, तो ये ऐसा बन जाएगा इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाय फोर रूट टू, ऊपर आ जाएगा साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, और डिवाइड में आ जाएगा अंडर रूट वन माइनस में आ जाएगा साइन एक्स माइनस में कोस एक्स का होल स्क्वायर। इसको टी पुट कर लेते हैं तो अंडर रूट वन माइनस में टी स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर डी टी बन जाएगा, और उसका इंटीग्रेशन आप लोग कर सकते हो, कर लोगे, साइन इनवर्स टी होता है, लिमिट भी चेंज हो जाएगी, हो जाएगा आगे, तो ये क्वेश्चन आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, ये कहता है व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोलाज। अपने को दो पैराबोला दे रखे हैं, सबसे पहले अपने को पैराबोला की क्वेश्चन दे रखी है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में सिक्स इंटू में एक्स माइनस वन, एक पैराबोला दे रखा है, दूसरा पैराबोला दे रखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में थ्री एक्स। ये जो पैराबोला है अपने को पता है दोनों पैराबोला जो है अपने पास राइट हैंड पैराबोला है, डायग्राम अगर मैंने बताऊँ इसका वर्टेक्स जो होगा वो ओरिजन होगा, तो ये जो पैराबोला बनेगा ऐसा बनेगा ठीक है, ये बनेगा अपने पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में थ्री एक्स। इसका अगर मैं निकालूं वाई को अगर जीरो पुट करूं तो एक्स की वैल्यू वन आएगी, तो ये अपने पास इसका वर्टेक्स ये बनेगा वन कोमा जीरो पॉइंट, इसका मतलब ये जो पैराबोला बनेगा कुछ ऐसा पैराबोला बनेगा, कट भी तो करेंगे एक दूसरे को, मान लो ये पैराबोला बनेगा, तो एरिया निकालना है जो इन दोनों से बाउंडेड हो, मतलब ये वाला एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, ऊपर वाला एरिया निकाल लेता हूँ गाइस, ऊपर वाला एरिया निकाल लेंगे ठीक है, उसका डबल कर देंगे तो नीचे वाला पूरा टोटल एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं कि ये पॉइंट क्या है ठीक है, ये पॉइंट तो अपने को पता ही है क्या है, जीरो कोमा जीरो पॉइंट है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे और फिर उसके बाद अपन क्या कर देंगे इसका एरिया निकाल लेंगे ठीक है ना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए वाई स्क्वायर के इक्वल ये है और वाई स्क्वायर के इक्वल है, दोनों को इक्वल पुट कर देते हैं, तो थ्री एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा सिक्स इंटू एक्स माइनस वन, तो ये आ जाएगा सिक्स एक्स माइनस इंट सिक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स, इसको इधर ले आओ तो ये आएगा सिक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आई टू, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू टू आई, तो एक्स को टू पुट करोगे तो यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू टू पुट करोगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, तो मतलब अपने को एक्स ही चाहिए, तो एक्स तो आ गया टू, तो इंटीग्रेशन कर देते हैं अपन जीरो से टू, जीरो से टू, टू टाइम इसलिए करेंगे क्योंकि जितना ऊपर वाला होगा उतना नीचे, जीरो से टू अपर कर्व माइनस में लोअर कर्व, अपर कर्व का अगर मैं वाई निकालूं तो अपर कर्व का वाई मेरे पास ये आएगा रूट थ्री एक्स माइनस में लोअर कर्व का वाई अगर मैं निकालूं तो वो आएगा अंडर रूट सिक्स एक्स माइनस वन, और इसका इंटीग्रेशन कर दो, अब इसको सोल्व कर लोगे रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, कर लोगे सिंपल है, आगे इसका इंटीग्रेशन करना तो आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 से लेकर 109 का आपको आंसर बताना है, वैसे ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन इसने दे रखा है लेकिन फिर भी हम सोल्व कर लेते हैं। ये कहता है कि थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम आर ईच ऑफ इक्वल 6 सेंटीमीटर, एक ट्रेपीजियम है मैं बना लेता हूँ, इस टाइप से बनेगा अपना ठीक है, इसकी तीन साइड जो है वो 6-6 सेंटीमीटर की है, तो मतलब ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर, तो इसको मैं ए मान लेता हूँ, ये अपना बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया,
मैं ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ सी डी पे, बी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ सी डी पे, ठीक है। इसको मैं ई मान लेता हूँ और इसको मैं एफ मान लेता हूँ। देखो जितना ए बी होगा उतना ई एफ होगा, तो ये साइड की लेंथ भी क्या आएगी, ई एफ, इतनी साइड की लेंथ भी क्या आएगी, सिक्स आएगी। अब ये मुझे पता नहीं है तो इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, ये भी मुझे पता नहीं है इसको भी मैं एक्स मान लेता हूँ। देखो एरिया अपने को क्या करता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मैक्सिमम रहेगा तो थीटा अल्फा की वैल्यू बतानी है। अल्फा मेरे पास क्या है, अल्फा विद एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, मतलब ये वाला एंगल है अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू बतानी है। एरिया, एरिया जो होता है वो हमारे पास ट्रेपीजियम का क्या होता है, 1/2 h इंटू में ए प्लस में बी। एच मतलब हाइट, हाइट यहाँ पे क्या है, ए ई है, ठीक है। अब देखो अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ, ये ट्राइंगल बन रहा है मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये साइड जो है मैंने एक्स मानी है, ये सिक्स दे रखी है, इसको मैंने एच माना है, तो मैं यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा लेता हूँ। एच जो है वो किसके इक्वल होगा, एच जो है वो किसके इक्वल होगा, अंडर रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर। ए मतलब ये वाली साइड कितनी दे रखी है अपने को, सिक्स दे रखी है। बी मतलब ये वाली साइड कितनी दे रखी है अपने को, सॉरी, ए ए मतलब ये वाली साइड हो गई, बी मतलब ये टोटल बेस हो गया इसका, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2, इसकी वैल्यू आएगी अंडर रूट 36 माइनस में एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू 6 है प्लस में बी मतलब बेस हो गया, तो देखो ये एक्स है तो मतलब ये 6 है और ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो टोटल हो जाएगा 6 प्लस में 2x। तो ये तो आया एरिया, तो ए इज इक्वल टू आया 1/2 अंडर रूट 36 माइनस में एक्स स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 12 प्लस में 2x, ठीक है। अब हमने वो क्या करना है, इसका एरिया मैक्सिमम दे रखा है तो अल्फा वैल्यू निकालनी है। तो एरिया मैक्सिमम अपने को चेक करने के लिए फर्स्ट ऑर्डर इसका डेरिवेटिव निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स और उसको इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे, तो वहां से वैल्यू अपने पास आएगी किसकी, एक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब सबसे पहले इसका आप जब डेरिवेटिव करोगे, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ गाइज, इसका डेरिवेटिव आप लिख लेना, कर लेना, इसका डायरेक्ट मैं डेरिवेटिव लिख रहा हूँ। इसका जो डेरिवेटिव करोगे यू इंटू वी से, तो आपके पास आएगा 36 माइनस में 6x और प्लस माइनस में 2x का स्क्वायर और डिवाइड में आएगा आपके पास, सॉरी, डिवाइड में आएगा अंडर रूट 36 माइनस में एक्स स्क्वायर और इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी 2x² प्लस में 6x माइनस में 36 इज इक्वल टू जीरो। तो 2 भी कॉमन लेके कैंसिल, तो x² प्लस में 3x माइनस में 12 इज इक्वल टू जीरो। इसके जब आप फैक्टर करोगे इस इक्वेशन के, 2 कॉमन लिया ना, सॉरी 18 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसके जब आप फैक्टर करोगे तो इसके फैक्टर बनेंगे x माइनस में x प्लस में 6 और ये बनेगा x माइनस में 3 इक्वल में 0। तो x की वैल्यू एक तो आएगी 6 और एक आएगी x की वैल्यू, सॉरी माइनस का 6 आएगी और एक आएगी 3। x क्या है, लेंथ ऑफ दिस, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती इसलिए x ये आपका नहीं होगा। तो x की वैल्यू कितनी आई, 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो नो टोटल अगर मैं डीसी की बात करूँ तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 6 प्लस में 3 9 प्लस में 3 कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। लेकिन अपने को अल्फा निकालना था, तो देखो ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है और राइट एंगल ट्राइंगल में कोस अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। हाइपोटेनियस इसका कितना है, सॉरी, बी अपॉन एच होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, एक्स अपॉन में 6 आएगा, एक्स की वैल्यू 3 अपॉन में 6 आएगी, तो 1/2 कोस अल्फा 1/2 किस पे होता है, 60 पे होता है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या पूछा था, द एरिया ऑफ ट्राइपीजियम मैक्सिमम है तो लेंथ ऑफ द फोर्थ साइड, फोर्थ साइड की लेंथ अपनी 12 सेंटीमीटर आई थी, ये रही मतलब सी डी की लेंथ आ गई। उसके बाद इसने पूछा है मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो मैक्सिमम एरिया कब रहेगा, जब आपका एक्स कितना है, 3, और एरिया क्या है, ये इसमें एक्स को 3 पुट कर दो, यहाँ पे फॉर्मूले में एक्स को 3 पुट कर दोगे, 3 पुट करने पर आपका रिजल्ट आ जाएगा, वो आ जाएगा 27√3, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 110 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है इंटीग्रेशन 0 से π e की पावर x इंटू में साइन एक्स डीएक्स इज इक्वल टू आपका क्या रहने वाला है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम कर देते हैं गाइस, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे हमारा रिजल्ट आ जाएगा।
और डायरेक्ट आप सभी को पता है इंटीग्रेशन ए एक्सपोनेंशियल की पावर ए एक्स इंटू में साइन बी एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, तो वैसे करोगे तो भी रिजल्ट आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप खुद से कर लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स इंटू लॉग एक्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है, ठीक है। फर्स्ट लॉग फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स स्क्वायर बाय टू, फिर माइनस में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन बाय एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स स्क्वायर बाय टू डी एक्स। यहाँ एक एक्स से एक्स कैंसल, तो यह बनेगा एक्स स्क्वायर बाय टू, यहाँ बनेगा लॉग एक्स माइनस में वन बाय टू बाहर आ जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू अगेन, और लिमिट क्या दी हुई है अपने को वन से एक्सपोनेंशियल, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट पुट कर दोगे रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, एक्स स्क्वायर दे रखा है, लिमिट को ब्रेक कर लो इंटीजर पे, जीरो से रूट थ्री रूट टू है तो लिमिट ब्रेक होगी जीरो से वन एक्स स्क्वायर डी एक्स, और यह आ जाएगा वन से रूट टू, यह आएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब देखो अगर मैं एक्स को लोअर लिमिट पुट करनी है, एक्स को जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो आएगा, तो इसका आंसर ये तो जीरो ही हो जाएगा, प्लस में लोअर लिमिट यहाँ पुट करेंगे तो वन आएगा, और वन आएगा तो वन का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, और लिमिट आ जाएगी वन से रूट टू, तो अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट पुट और रूट टू माइनस वन आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, मैं आपको करेक्ट करवा देता हूँ। यहाँ पे बीच में माइनस है, मतलब इंटीग्रेशन है माइनस पाई बाय फोर से पाई बाय फोर, यहाँ है साइन एक्स और माइनस में क्या है टेंजेंट एक्स है। देखो साइन फंक्शन भी ओड फंक्शन होता है और टेंजेंट फंक्शन भी ओड फंक्शन होता है, और जब दो ओड फंक्शन को माइनस करते हैं तो वो फंक्शन भी ओड ही होता है, तो ये पूरा फंक्शन आपका ओड फंक्शन आएगा, और माइनस ए से जब प्लस ए लिमिट हो तो ओड फंक्शन का इंटीग्रेशन जीरो होता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है कि इसका इंटीग्रेशन जीरो है, इसका इंटीग्रेशन टू बाय थ्री है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए और बी, ए और बी की वैल्यू आपको बतानी है। देखो अगर आप इसको कंसेप्ट से मतलब पूरा सॉल्यूशन से करोगे थोड़ा सा लेंथी रहेगा, अपन इसको क्या कर लेते हैं ऑप्शन की हेल्प से कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन की हेल्प से आप वैसे भी कर सकते हो, देखो एक्स की एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर फोर बाय फोर, लिमिट क्या दे रखी है ए से बी, इक्वल में ये कहता है जीरो, अपर लिमिट पुट करोगे देखो फोर तो कांस्टेंट है उधर जाके जीरो ही हो जाएगा, तो बी की पावर फोर माइनस में ए की पावर फोर इज इक्वल टू जीरो। आप ये देखो कि कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला ऑप्शन भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, चारों ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं भाई, ठीक है। क्या कर रहे हैं चारों ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो आगे वाले दूसरे रिजल्ट पे चलते हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स क्यूब बाय थ्री आएगा, लिमिट दे रखी है ए से बी इज इक्वल टू, आंसर ये कहता है कि टू बाय थ्री है, अपर लिमिट पुट करोगे बी का क्यूब माइनस में लोअर लिमिट पुट करोगे ए का क्यूब, और डिवाइड बाय क्या आएगा थ्री इज इक्वल टू क्या आएगा टू बाय थ्री, टू थ्री से थ्री कैंसल, बी क्यूब माइनस में ए क्यूब की वैल्यू जो है वो टू आनी चाहिए। अब यहाँ देख लो कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता है, सी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि दोनों को अगर जीरो पुट करेंगे तो टू आंसर नहीं आएगा, ए बी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि वन वन पुट करोगे तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा तो बी आंसर नहीं हो सकता, डी अगर मैं टू का क्यूब करूँ तो एट आएगा, माइनस माइनस टू का क्यूब करेंगे तो माइनस का एट आएगा, प्लस का एट, आठ दूनी 16 हो जाएगा, जबकि टू चाहिए तो डी आंसर भी नहीं हो सकता, तो बचा क्या बेचारा ए आंसर, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन, 115 नंबर क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई, पार्ट नंबर वन में ही करवाया था मैंने, इसमें प्रॉपर्टी यूज होगी इंटीग्रेशन जीरो से वन, एक्स को मैं लिखूंगा वन माइनस एक्स, यहां भी एक्स को लिखूंगा वन माइनस एक्स, और इसकी पावर नाइन डी एक्स, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 गाइस, क्वेश्चन नंबर 116,
ये कहता है इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स है और लिमिट इंटीग्रेशन ए टू बी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस एक्स है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास क्या रहने वाली है। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस एक्स जीरो नहीं होता, इसकी वैल्यू माइनस का वन होती है। जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है, माइनस का वन। तो इसका मतलब ए से बी इंटीग्रेशन करना है माइनस वन का, और इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस का एक्स और ए से बी। अपर लिमिट पुट करोगे माइनस बी, फिर माइनस में लोअर लिमिट पुट करोगे माइनस माइनस प्लस में, तो ये ए माइनस में बी इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117। देखो जब एक्स की वैल्यू 5 से छोटी रहेगी तो मोड एक्स माइनस 5 की वैल्यू नेगेटिव, जब एक्स की वैल्यू 5 से बड़ी रहेगी तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव। तो 5 पे लिमिट को ब्रेक कर दो, 0 से 5 करोगे तो ये आएगा माइनस का एक्स माइनस 5 डी एक्स, और जब 5 से 8 जाएंगे तो ये आएगा प्लस का एक्स माइनस 5 डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन आप अच्छे से कर सकते हो, कर लोगे, हो जाएगा आगे से आपसे। ये माइनस है, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस में ये हो जाएगा 5x, 2 से 5 अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, और यहाँ करेगा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस में ये 5x, 5 से 8 अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। एक तो है ये तरीका, दूसरा तरीका भी मैं बता देता हूँ। देखो 5 पे ये 0 होगा तो इसका मतलब इसका जब डायग्राम बनाएंगे तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, मॉडुलस फंक्शन का इसका ही डायग्राम बनता है। ये जो पॉइंट है वो रहेगा एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक है ना, ये पॉइंट क्या रहेगा आपका, एक्स इज इक्वल टू 5 पॉइंट रहेगा। तो मैं यहां से ऐसे लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ, टू से 8 अपने को इंटीग्रेशन करना है, 2 से 8, तो मैंने ये 2 से 8 कर दिया इसको। देखो यहां से 2 से ये कितना जा रहा है, 5, तो ये जो एरिया है वो कितना रहेगा, इसकी जो लेंथ है वो कितनी रहेगी, 3, ये भी लेंथ कितनी रहेगी, 3, तो ये भी 3 आएगा और ये भी क्या आएगा आपका, 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसका एरिया निकाल लो आप, कर लोगे, ट्राइंगल बन गया ना, 1/2 ए इंटू बी, ये भी एक ट्राइंगल बन गया, ये भी एक ट्राइंगल बन गया, तो दो ट्राइंगल बन गए। इसका आएगा 1/2 ए इंटू बी 3 इंटू, इसका भी सेम 1/2 3 इंटू 3, तो 9/2, और प्लस में ये भी ऐड करोगे 9/2, तो आंसर आ जाएगा आपका 9, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 118 गाइस, इंटीग्रेशन करना है माइनस वन से वन। ये कहता है सबसे पहले इंटीग्रेशन माइनस वन से वन, यहाँ है डेरिवेटिव किसका, टेंजेंट इनवर्स एक्स का, तो मैं इसको कोट में लिखूंगा तो ये कोट इनवर्स एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स का एंगल क्या है, 1/x, तो कोट में कन्वर्ट होके ये हो जाएगा। अब कोट इनवर्स का अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ तो कोट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस का 1 प्लस में 1/x² होता है, dx हो जाएगा। अब देखो माइनस को मैं बाहर लिख लेता हूँ, इंटीग्रेशन माइनस वन से वन, 1/1 प्लस में क्या, x² और dx। ये फंक्शन क्या होता है, अपने पास इवन फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है तो क्या करते हैं हम, फंक्शन का डबल कर देते हैं, लिमिट का 0 से 1 कर देते हैं, ये बनेगा 1 प्लस में x² dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स x, तो ये क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स x लिमिट 0 से 1। अपर लिमिट पुट करोगे टेंजेंट इनवर्स 1 कितना होता है, π/4, लिमिट 0 पुट करोगे 0, ये इससे कैंसिल होकर 2, तो माइनस का π/2 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 नंबर क्वेश्चन, मॉडुलस दे रखा है ये। देखो गाइस अगर मैं लिमिट दे रखा है अपने को 0 से π/2, लेकिन अगर मैं π/4 की बात करूं तो 0 और π/4 पे देखो 0 30 और 45 डिग्री और ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, साइन 0 0 होता है, इसकी वैल्यू 1/2 हो गई और इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू अगर मैं साइन थीटा की बात करूँ या कोस थीटा की बात करूँ, इसकी वैल्यू √3/2 और इसकी वैल्यू 1/√2, यहाँ पे ये हो जाएगा √3/2 और ये 1, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और ये 0। देखो 45 पे मतलब 0 से 45 अगर जाते हैं तो उस केस में कोस बड़ा होता है साइन से, ठीक है, कोस थीटा जो होता है वो बड़ा होता है साइन थीटा से, लेकिन 45 से 90 जब जाते हैं तो साइन थीटा बड़ा होता है कोस थीटा से। अब इसके अकॉर्डिंग हम ले लेंगे, इसको इंटीग्रेशन करेंगे 0 से π/4, जब 0 से π/4 करेंगे तो
तो मैं इस फंक्शन का मतलब यहाँ जब मॉडुलस है ना, तो इस केस में साइन छोटा होगा कोस से, जब साइन छोटा होगा कोस से तो ये आंसर नेगेटिव में देगा, नेगेटिव तो इसका मतलब मैं यहाँ लिखूंगा माइनस का साइन एक्स माइनस में कोस एक्स। फिर प्लस में जब पाई बाय फोर से पाई बाय टू जाएंगे तब लेंगे प्लस का साइन एक्स माइनस में कोस एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन आप अच्छे से कर सकते हो, साइन का पता है, कोस का पता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा सकते हो, कर लोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 120 नंबर क्वेश्चन, आसान है। क्या करना है अपने को, साइन एक्स को टी पुट करना है गाइस, साइन एक्स को टी पुट करेंगे, साइन एक्स को टी पुट करेंगे तो कोस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, और लिमिट भी चेंज होगी, साइन जीरो जीरो हो जाता है और साइन पाई बाय टू वन, तो लिमिट जीरो से वन और ये ई की पावर टी डी टी बनेगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट इसका जो आंसर होता है वो हमेशा होता है ऑप्शन बी, जब भी लिमिट दी हुई हो जीरो से पाई बाय टू मोड साइन एक्स माइनस में कोस एक्स की वैल्यू जो होती है वो टू इंटू रूट टू माइनस वन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, ये कहता है व्हाट इज द एरिया ऑफ वन लूप, द लूप बिटवीन द कर्व वाई इज इक्वल टू साइन एक्स एंड एक्स एक्सिस। तो कर्व क्या दे रखी है, वाई इज इक्वल टू सी इंटू में साइन एक्स दे रखा है। इस कर्व और एक्स एक्सिस के एक लूप के बीच में एरिया निकालना है, तो याद रखना गाइज उसका एरिया होता है आपका टू, मतलब साइन का, अगर साइन की बात करें तो साइन का एरिया टू होता है, मल्टीप्लाई में सी है तो आंसर आ जाएगा टू सी, ऑप्शन बी आपका आंसर आ जाएगा। एक्स एक्सिस में और वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, अकेला अगर मैं साइन एक्स लूँ तो उन दोनों के वन लूप का एरिया टू होता है, लेकिन मल्टीप्लाई में सी है इसलिए टू सी हो जाएगा, क्लियर। तो ये सिंपल सा था, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट गाइज डेफिनेट इंटीग्रल चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन हम लोगों ने कर लिया इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर में से, ठीक है। नेक्स्ट जो है मैं आपको करवाने वाला हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर, और अगर कोई डाउट रह जाता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, देन आप कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।